हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ममता की लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला डोरमेट जो मैं आपको बता रही थी, इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये देखिए, ये सारे फंदे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ये सारे फंदे ये सारे कलर के ऊन कट करते जाएंगे। तो अब इसको हम ये 10 फंदा बिनने के बाद ये 10 फंदा बिनने के बाद अब सारे हम इसी से बीनेंगे ऐसे, और ये जो हमारे ऊन है इनको हम कट करते जाएंगे। इसको साथ में नॉट लगा दीजिए इस तरीके से, ये सारा पूरा हम एक सलाई पे कर लेंगे इसको। ये जो सारे फंदे हैं इसी तरीके से बिनते जाएंगे, और जो भी कलर हमारा चेंज हो रहा है जहां से वहां से वो ऊन हम कट कर देंगे, ये वाला भी। अब यहां से हम थोड़ा सा दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये हम इसको बिनते हुए, ये पहला फंदा पहले बिन लीजिए, दूसरे फंदे को बिनने के पहले इस वाले को भी हम कट कर लेंगे। बहुत बड़ा मत कट करिएगा क्योंकि ये बैक साइड में हमारे ये रहेगा, तो इसको भी नॉट लगा लेंगे। इसी तरीके से सारे फंदे हम सिंगल इस बेस कलर से बिन लेंगे जिससे हमने फंदा डाला, जो हमारा बॉर्डर का जा रहा है। तो इसको करके सारा हम बाकी का ऊन कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारा मैंने एक सलाई पे कर लिया है, सारे ऊन को जो अलग से लगे थे उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये मेरी पहली सलाई है, यहां से मैं इसी तरीके से 14 सलाई और बनाऊंगी। जैसे मैंने इसमें बनाया है ये 7 धारियां, तो ये एक सीधी सलाई हो गई है। जब मैं इधर से बीनूंगी तो मेरा ये उल्टा जो है, उल्टी तरफ से सीधा सीधा बिनने पे एक लाइन आ जाएगी। तो ये जो 7 लाइनिंग आई है, यहाँ पे भी 14 सलाई बिनने के बाद फिर हम इसके आगे बनाएंगे। तो पहले हम 14 सलाई इसको बिन लेते हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा। ये देखिए, ये मैंने जितना नीचे का बॉर्डर था ये इतना ही यहाँ पे बना लिया है। अब यही कलर हम फिर से लगाएंगे, 10 फंदे के बाद सेम नीचे जो कलर लगा है उसी कलर को हम ऊपर भी लगाएंगे। ये 10 फंदे हमारी पट्टी वाले जो हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ पे हम ये डार्क वाला कलर जो नीचे है वही यहाँ पे भी, इसको भी, इसी तरीके से जो 24 फंदे एक एक कलर के हैं जैसे हमने नीचे बनाया था, उसी तरीके से 24 फंदे हम बिन लेंगे। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इसी तरह से ये सारे कलर हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सारे कलर वही सेम लगा लिए हैं जो मेरे नीचे थे। अब इस तरफ से ये जो हमने यहाँ पे यहाँ से फंदे कम करने स्टार्ट किए थे, अब इस तरफ हम इधर से करेंगे। तो ये देखिए, इस सलाई में टोटल पूरी सलाई हम बिनेंगे, लास्ट 10 फंदे जो हमारे बॉर्डर के हैं वहां तक। तो यही चीज हम फिर से बिनते चले जाएंगे। ये देखिए,
उनको उसी तरीके से क्रॉस करा के पीछे की साइड ले जाना है और वैसे ही बिनना है। सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो ये पहले मैं पूरी लाइन बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हम अब इस लाइन में ये जो हमारे टोटल 24 है फंदे उसको हम बिन लेंगे और यहां से हम इसको पलट देंगे। ये बॉर्डर अब हम नहीं बिनेंगे। अब यहां से इस बार हम इसको टोटल बिन लेंगे, अगली बार से हम इसको दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए यहां से तो इसको हम पूरा बिन ले रहे हैं और इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे, नहीं तो फिर ये हमारा जो ऊन है यहाँ पे बॉर्डर वाला ये लूज हो जाएगा। तो इसको पूरा बिन लेते हैं। फिर अगली सिलाई में जब इधर से फिर हम रिपीट करेंगे तो दो दो फंदे छोड़ देंगे। तो इतना बिनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हमने 10 फंदे छोड़ दिए, अब अगली बार से ऐसे दो दो फंदे हम छोड़ते जाएंगे। ये देखिए अब मैं ये चौथी सिलाई बना रही हूँ, यानी कि इधर से ये जो दूसरी धारी आ रही है, तो ये इसमें से हम 22 फंदे बिनेंगे इस तरीके से। बिनना उसी तरीके से जैसे हमने नीचे बनाया। ये देखिए 22 फंदे बिनने के बाद अब हम इसको पलट देंगे और ये जैसा कि मैंने कहा यहीं पे रहेगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। और अब यहाँ से हम पहला फंदा उतार के और ये फिर बिनते जाएंगे। दो दो फंदे अब हम इस तरफ से छोड़ेंगे। ये देखिए और ये जो है अब हम इधर से छोड़ेंगे, तो जो चीज मेरा ये यहां से ऐसे बना है वो चीज यहां से ऐसे बनेगा। तो ये हमारा ऐसे बड़ा सा आसन के जैसा ये बन जाएगा। तो यही चीज अब हम रिपीट करेंगे इधर की तरफ से। यहां से अब हमारा ये छूटता जाएगा, ये पतला वाला जो ये वी आया है वो यहाँ पे हो जाएगा और ये हमारा ये वाला चीज यहाँ बनेगा। तो ये टोटल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये इतना और इसके बाद फिर ये 7 धारी। तो ये इतना हम यही चीज फिर से रिपीट करेंगे लेकिन इस तरफ से। तो ये इतना पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए ये बनने के बाद इस तरफ का भी ऐसे तैयार हो जाएगा। इधर बड़ा वाला पार्ट है और इसमें इधर अपोजिट साइड ये वाला जो कलर है इसका बड़ा वाला पार्ट है। इधर भी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर हो चुका है, इधर हमारा 7 हो चुका है। और अब इधर सीधी तरफ के लिए उल्टे तरफ से हम सीधा सीधा बिनते हुए इसको बंद कर देंगे। ये इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे, वो नॉर्मल ही, क्योंकि अगर हम टाइट करेंगे तो ये किनारा है टाइट हो जाएगा, आगे से सिकुड़ा लगेगा और अगर लूज कर देंगे तो फैला लगेगा। तो ऐसा करना है जैसे कि हमारा पिछला जो पार्ट है जिससे कि हमने फंदे डाले हैं वहां पे उसी के लगभग बराबर ये आए। इसको बहुत टाइट नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम उतार लेंगे टोटल इस तरीके से। ऐसे इसको हम पूरा उतार लेंगे। ये देखिए ये मैंने लगभग इसको बंद कर दिया है और ये देखिए मैं इसको बहुत टाइट नहीं कर रही हूं और लूज भी नहीं रख रही हूं। इसको आराम से नॉर्मल जैसे हम बिनाई करते हैं, जैसा आपका हाथ है स्वेटर बिनते समय सलाइयों पे ऊन की थिकनेस जैसे रहती है उसी तरीके से ये होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ से टाइट कर लीजिए
और जो हमारा टुकड़ा है उसको ऐसे, और ये जो सारे टुकड़े हैं इसको हम क्रोशिए से अब पीछे की तरफ ऐसे दूर से खींच के इस तरह से क्रोशिया यहाँ से ऐसे फंसाते हुए दूर से, देखिए जो हमारा उल्टा उल्टा बीना हुआ है उसी में से, और इसको हम अंदर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। तो ये सारा जो ऊन है हमारा अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे ये फंस गया, इसको और दूर तक आप फंसाना चाहें फंसा दें, और नहीं तो आप इसको कट कर दीजिए यहीं से। इसी तरीके से ये सारे ऊन को भी हम जो हमारे टुकड़े हैं सब बीच में फंसा लेंगे, और इस तरफ का भी जो ये है इसको भी ऐसे, आप चाहें एक बार में सारा वो करके फंसा लीजिए, या ऐसे जितनी दूर आप इसको ले जाना चाहें उतनी दूरी में आप इसको ऐसे करके ऐसे निकाल दीजिए और फिर इसको कट कर दीजिए। इसको कट कर दीजिए और बाकी टुकड़े भी हम इसी तरह से कट करके हटा देंगे। और अब देखिए इसका जो शेप आया है ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से, काफी ये बड़ा है, अगर आपको दिखे तो ये देखिए ये काफी बड़ा है, ऐसे इसका ये शेप आया है। तो देखिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसको जिस तरीके से रखें, ये एक तरह से रेक्टेंगल हल्का सा कर्व लिए हुए है इस तरफ भी और इस तरफ भी, काफी बड़ा है, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। और आप इसको इस तरीके से बना के आप चाहें तो डोरमेट की तरह यूज करिए, या आप चाहें तो टेबल पे रखिए, या पूजा आसन के लिए भी आप इसको यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए अब मेरा ये तैयार है। आपको और बड़ा बनाना है तो आप इसको यही लाइनिंग और बड़ा ले जा सकती हैं, जैसा आपको पसंद है। मैंने इतना ही बड़ा इसको बनाया है। तो देखिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मैं आपको आगे और भी डिज़ाइंस बताती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।